हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवीर दीतीमन। जितनी भी वैकेंसी रिलीज होती है, मेरा उद्देश्य रहता है कि आप तक पहुंचे। जो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके कोई रिलेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं और उनकी क्वालिफिकेशन जो है वीडियो में जो बताई जाती है वो है, तो आप लोग जरूर वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी जो है वो जारी की गई है। कई नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मेरा ये था कि आप लोगों को जो है वो यहाँ पर वैकेंसी यदि आई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो वो भी आप लोगों को बताई जाए। फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ DDAO ASO PA सर्व शिक्षा अभियान ऑन डिप्यूटेशन बेसिस, ट्यूजडे 22 अगस्त 2023 को ये एडवर्टीजमेंट आई। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट जिसमें बहुत सारी पोस्ट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू NTA के थ्रू जो है ये वैकेंसी आई है, 21 अगस्त को आई है। इसके अलावा भी जो है कई वैकेंसी एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ IIIT भागलपुर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है वो NTA की जो वेरियस पोस्ट हैं, बहुत सारी जो पोस्ट हैं जो फिल की जाने वाली हैं, तो वो मैं आप लोगों को सबसे पहले ओपन करके दिखा देती हूँ। यदि कोई भी आपके रिलेशन में या आप खुद जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन करें। डेट जो है वो पब्लिश हुआ है 10 अगस्त 2023। तो सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, पे स्केल, स्केल और बैंड, ये सारी चीजें जो है देखें। तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर डायरेक्टर ग्रुप ए की 4 है और सैलरी जो है काफी ज्यादा सैलरी है, और यहाँ पर जो हायर क्वालिफिकेशन है साथ में एक्सपीरियंस जरूर मांगा जाएगा। तो क्वालिफिकेशन में भी हम देखेंगे, ज्वाइंट डायरेक्टर ग्रुप ए की है तो यहाँ पर भी सैलरी 78,800 से जो है वो 2 लाख से भी अधिक है। यहाँ पर वैकेंसी 2 है। रिसर्च साइंटिस्ट की ग्रुप ए की यहाँ पर 1 पोस्ट है और सैलरी जो है वो सबसे अधिक जो है यहाँ पर मिल रही है। डिप्टी डायरेक्टर की वैकेंसी है यहाँ पर 2, यहाँ पर वैकेंसी है। रिसर्च साइंटिस्ट बी की, प्रोग्रामर की वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च साइंटिस्ट ए, सीनियर सुपरिटेंडेंट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और सैलरी यहाँ पर स्टेनोग्राफर को जो है वो 35,400 से 1,12,400 मिलेगी। पोस्ट जो है वो आप देख सकते हैं, किसी में 3 पोस्ट है, किसी में 4 पोस्ट है, किसी में 2 है और किसी में 1 पोस्ट है। ठीक है, मैक्सिमम एज जो है वो हर पोस्ट के लिए जो है वो 56 साल, 56 ईयर जो है वो रखी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हैं 31 अगस्त 2023। उसके बाद जो है नीचे हम आएंगे, यहाँ पर जो है जो भी जनरल कंडीशन है, यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो सारी चीजें जो है यहाँ पर मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो एप्लीकेशन कैसे करनी है, तो एक एक स्टेप जो है यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले जो है वो आप लोगों को लॉग इन करना है यहाँ पर recruitment.nta.nic.in। उसके बाद जो है हर पोस्ट के लिए जो है आप लोग एडवर्टीजमेंट को अच्छे से जो है वो पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आप लोगों को हर पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है और सैलरी भी दोबारा से यहाँ मेंशन की गई है। तो मैंने आपको बताया कि इतनी अच्छी सैलरी जो जहाँ पर मिलती है, तो वहाँ पर जो है वो एक एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को चाहिए होता है। क्वालिफिकेशन जितनी भी पोस्ट मैंने आप लोगों को दिखाई है, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री जो है उस फील्ड में आपकी होनी चाहिए। चाहे आपने सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो है वो काम किया हो, तो आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल मस्ट है यहाँ पर। ठीक है, सीनियर प्रोग्रामर ग्रुप ए की जो वैकेंसी है, तो यहाँ 67,000 से लेकर 2 लाख तक जो है यहाँ पर सैलरी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर कहा गया मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च फिजिक्स में या इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में, काफी जो है यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलते हैं। उसके साथ में एक्सपीरियंस जो है वो आपका रेगुलर बेस पे जो है वो आपका मांगा गया है। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी जो है वो आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से और भी जो वैकेंसी यहाँ पर जिन पोस्ट की निकली हैं, तो यदि आप यहाँ जो है इनको भी देखना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके जो है वो आप एडवर्टीजमेंट जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसकी जो है मेन वेबसाइट जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पर सर्च करना है। सबसे पहले जो है वो आप लोगों को गूगल पर सर्च करना है www.education.government.in। ठीक है, जैसे ही आप लोग जो है यहाँ पर गूगल करेंगे education.government.in, इसके बाद जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर जो है वो आप लोग देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मोर पर आप लोगों को क्लिक करना है। जितनी भी वैकेंसी जो है यहाँ पर जारी हुई हैं, तो वो सभी जो है वो आप लोगों को नजर आ जाएंगी। तो यहाँ नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ के यदि आप एलिजिबल हैं, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं जिस डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मोस्टली, तो वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।